डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम। वो नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है और कोई आइडिया भी हो सकता है। पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, थिंग किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी विचार का नाम हो सकता है, किसी पशु का नाम हो सकता है, पक्षी का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अमन किसी का नाम है, हरमन, बॉय, चाइल्ड, टेबल किसी वस्तु का नाम है, काला वाली जगह का नाम है, लॉयन पशु का नाम है, ब्रेवरी गुण का नाम है। तो किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन होता है। अब हम करेंगे नाउन के टाइप्स। तो नाउन जो होता है बेटा, वो पांच प्रकार का होता है। सबसे पहला है इसका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं हरप्रीत, राम, कालाबाली, गंगा, टेक्स्ट। तो सेकेंड टाइप है इसकी कॉमन नाउन, जिस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में डिफरेंस देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे बॉय है, तो बॉय क्या है? सभी बॉयज़ को हम बॉय कहते हैं, ठीक है। तो सारी जाति का नाम बॉय है, लड़का है। और अगर हम किसी बॉय का नाम ले दें, हम कह दें मोहन, राम, श्याम, किसी का नाम ले दे किसी लड़के का, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अगर हम कहें बॉय, वो होगा कॉमन नाउन। इसी प्रकार से गर्ल, सभी गर्ल्स के लिए गर्ल शब्द प्रयोग किया जाता है, परंतु कई बार कोई स्पेशल कोई गर्ल होती है तो उसका हम नाम से बुलाते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी प्रकार सिटी है, जैसे शहर, सभी सिटी को हम सिटी बोलते हैं, और जो स्पेशल सिटी होती है उसका हम नाम लेते हैं, जैसे कालांवाली है, सिरसा है, मुंबई है, तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। इसी प्रकार रिवर है, स्कूल, स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन है, और अगर इनका हम कोई ख़ास नाम ले दें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और अब हम इसकी तीसरी टाइप करेंगे। तीसरा है इसका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसके नाम से ही पता चलता है, कलेक्शन यानी कि कोई ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए हम जो एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने वाले, और हम उस सारे ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास। और इसी प्रकार से सैनिक होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्मी। बंच, बंच क्या होता है? जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, सभी अंगूरों का गुच्छा, तो उस ग्रुप के लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं बंच, तो वो भी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, लोगों की भीड़ होती है, भीड़ के लिए एक शब्द यूज़ कर देते हैं हम क्राउड। टीम, प्लेयर्स का एक ग्रुप है, उसके लिए टीम शब्द यूज़ करते हैं। हर्ड, पशुओं का कोई ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसको हर्ड बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। अब चौथी टाइप है इसकी मटेरियल नाउन। ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे अन्य वस्तुएँ बनाई जाती हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि मिल्क। अब मिल्क से कितनी चीज़ें बनती हैं, दूध बनती है, मिल्क से पनीर बनता है, दही बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार गोल्ड है, गोल्ड से बहुत सारे गहने बनते हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक से आगे कितनी वस्तुएँ बनती हैं, आयरन, लोहा, इससे भी बहुत सारी वस्तुएँ बनती हैं, वुड, लकड़ी, इससे भी वस्तुएँ बनती हैं, तो ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है। तो अब हम इसकी करेंगे पांचवी टाइप। पांचवा है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी गुण, दशा या काम के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो जैसे गुण है किसी का, वो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके एग्जांपल देखिए, ट्रुथ। ट्रुथ क्या होता है? सच्चाई। अब ट्रुथ को हम देख तो नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी है, बहादुरी,
किसी का गुण है ये ब्रेवरी। अब ब्रेवरी हम किसी की देख नहीं सकते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हमारे लाइफ की एक अवस्था है, तो इस अवस्था का नाम है ये, तो इसे भी हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी हमारा एक गुण है, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये इसके 5 टाइप थे। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज में मैंने 10 सेंटेंस लिखे हैं, आपने उनमें से पहले तो नाउन को अंडरलाइन करना है और उसके बाद आपने छांटना है भी कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है, पांचों टाइप उसके अलग अलग छांटने हैं। एक दो मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे देखिए पहला है लता सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसमें लता है एक तो नाउन, किसी का नाम है ये, और एक सॉन्ग, सॉन्ग भी गाना होता है, ये भी नाम है। तो इन दोनों को आपने पहले तो अंडरलाइन करना है नाउन को, फिर इसको देखना है, अगर तो ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में लिखना है, अगर कॉमन है तो कॉमन वाले में, अगर कोई दूसरा है तो उस कॉलम में आपने लिखना है। जैसे लता कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, तो इसको आप प्रॉपर नाउन के सामने लिखेंगे। सॉन्ग है, कॉमन नाउन है, तो इसको आप कॉमन नाउन के सामने लिखेंगे। इस प्रकार से आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूँगी। ओके स्टूडेंट्स।